दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल की सभी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जहां पर मैंने आप सभी के साथ एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज शेयर करी थी और ये बताया था कि इंडिया की एक जगह अहमदाबाद से एक काफी शॉकिंग न्यूज आई थी जहां पर बताया गया था कि 8 बच्चे अपने बीटीएस ऑब्सेशन की वजह से साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच चुके हैं। यही नहीं बल्कि हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं और उनमें से कुछ बच्चों ने तो अपनी जान पे खतरा लेने का भी रिस्क ले लिया था। पर दोस्तों, ये न्यूज सुनने के बाद काफी सारी इंडियन आर्मीज परेशान हो गई थी और बहुत ही सारे हेटर्स ने बीटीएस के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। काफी सारे हेटर्स का कहना था कि बीटीएस का इन्फ्लुएंस इंडियन आर्मीज के लिए अच्छा नहीं है और उन्हें इंडिया में बैन कर देना चाहिए। और दोस्तों, 8 बच्चों का इस तरह से हॉस्पिटल पहुंच जाना भी कोई छोटी बात नहीं होती। हालांकि दोस्तों, ये सब सुनने के बाद इंडियन आर्मीज के मन में एक सवाल आया था और वो ये था कि क्या बीटीएस इंडिया में बैन हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इस बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि इस वजह से बीटीएस इंडिया में बैन नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी आर्टिस्ट के ऑब्सेशन में किसी फैन ने ऐसी हरकतें करी हों, क्योंकि दोस्तों बीटीएस ही नहीं बल्कि बहुत ही सारे आर्टिस्ट हैं जिनको इंडिया के लोग देखते हैं और खुद बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे फैंस होते हैं जो ऐसे एक्टर या फिर एक्ट्रेस के ऑब्सेशन में आकर ऐसी चीजें करते हैं, तो इसमें बीटीएस की कोई भी गलती नहीं है। दोस्तों, दूसरी चीज ये कि बीटीएस कभी भी किसी फैन को नहीं बोलते कि वो उनसे ऑब्सेस्ड हो जाए। हमेशा वो अपनी आर्मी की फिक्र करते हैं और उन्हें यही बोलते हैं कि हमें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली से प्यार करना चाहिए और अपने लाइफ के गोल को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हालांकि दोस्तों, ये फर्क हमें करना है कि हमें बीटीएस का फैन बनना है या फिर हमें उनका स्टैन बनना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली और हमारी लाइफ हमारे हाथों में होती है। और बीटीएस को प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उनके पीछे अपनी पूरी दुनिया लगा देना और सिर्फ उनके बारे में ही सोचना, ये काफी ज्यादा गलत बात है। और दोस्तों, ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट भी जानती है कि इसमें बीटीएस के सॉन्ग्स या फिर उनकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी भी इंसान को इस तरीके से गलत इन्फ्लुएंस नहीं किया है। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद उन 8 बच्चों के पेरेंट्स बीटीएस से काफी ज्यादा गुस्सा हैं, लेकिन हमारा मानना है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बीटीएस से दूर हो जाएं। लेकिन फिर भी ये बात हमें समझनी है कि हमें मैच्योरिटी से खुद को हैंडल करना है और किसी भी चीज से खुद को ऑब्सेस्ड नहीं होने देना है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका इस वीडियो पर क्या कहना है। और साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।